इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान में खेला जा रहा है, जहां दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरी पारी में 4 विकेट गंवाकर 236 रन बनाए। इस दौरान न्यूजीलैंड के लिए डेरिल मिचेल और टॉम ब्लंडल ने 180 रनों की साझेदारी की। दोनों ही बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 180 रन जोड़े और अभी भी दोनों क्रीज पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि एक समय पर न्यूजीलैंड की टीम ने 56 रनों पर ही अपने 4 विकेट गंवा दिए, लेकिन डेरिल मिचेल और टॉम ब्लंडल की इस साझेदारी ने टीम को इस मैच में एक नया जीवन दान दिया है। पहली पारी में भी न्यूजीलैंड की टीम 132 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, लेकिन न्यूजीलैंड ने इस मैच में तब वापसी की जब उन्होंने इंग्लैंड को भी 141 पर ही ढेर कर दिया। आपको बता दें कि डेरिल मिचेल इस वक्त 97 रनों पर खेल रहे हैं, तो वहीं टॉम ब्लंडल 90 रनों पर खेल रही हैं। लेकिन अब यहां पर इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है। इंग्लैंड के लिए इस टेस्ट सीरीज से बेन स्टोक्स कप्तानी का आगाज कर रही हैं। इसके अलावा ब्रेंडन मैक्यूलम, जो न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान हैं, वो मुख्य कोच के रूप में इंग्लैंड के लिए इस सीरीज से शुरुआत कर रही हैं। इंग्लैंड की टीम ने कप्तान बदला, मुख्य कोच बदला, लेकिन किस्मत बदलने में अभी भी तंग नजर आ रही है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज एक बार फिर से ढेर नजर आए, जहां इंग्लिश गेंदबाज 5वें विकेट के लिए दूसरे दिन तरसते नजर आए। दूसरी पारी में भी इंग्लैंड के गेंदबाजों की शुरुआत शानदार रही, मगर उसके बाद कीवी बल्लेबाजों ने इंग्लिश गेंदबाजों को उन्हीं की धरती पर लगातार रन जड़े। आपको बता दें कि इस मुकाबले में अब तक 2 दिनों के भीतर 24 विकेट गिर चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि 1.5 दिन से पहले ही दोनों टीम ऑल आउट हो गई थी, जिसके बाद पिच को लेकर के भी काफी सवाल खड़े हुए। लेकिन अब जिस तरह से कीवी बल्लेबाजों ने इंग्लिश गेंदबाजों के सामने जैसी बल्लेबाजी की है, उसे देखते हुए यही नजर आ रहा है कि इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट अब काफी ज्यादा अंधेरे में है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।